हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में। टेस्ट नंबर 14 करेंगे ऑफिशियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की बीपीएससी टेस्ट सीरीज का। आप हमारी पेड टेस्ट सीरीज अभी भी बाय कर सकते हैं लास्ट मोमेंट में अपने रिवीजन के लिए अगर आप चाहते हैं तो। आगे हमारा क्वेश्चन है, या फिर कह सकते हैं शुरुआत होती है पहले क्वेश्चन से। मैं हिंदी में रीड करता हूँ हमेशा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये दाईं तरफ लिखा रहता है इंग्लिश में, तो प्लीज़ आप लोग अपने हिसाब से देख लिया करिए। हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स और पेड ग्रुप के मेंबर्स ज़्यादातर हिंदी मीडियम में हैं कि सिर्फ इसलिए जो है हिंदी मीडियम में क्वेश्चन रीड करे जाते हैं। जहाँ पर भी कोई ऐसा टर्म आता है जो हिंदी मीडियम वाले भी ना समझ पाएँ उसको मैं बताता ही हूँ इंग्लिश मीडियम में। पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त हैं, यानी कि सर्वाधिक संख्या जो है किस प्रकार के वनों की है, सर्वाधिक कवरेज किस प्रकार के वनों का है भारत में। तो भारत में पाए जाते हैं मानसून फॉरेस्ट और उनको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में अभ्रक खनन का एक केंद्र कहाँ पर स्थित है, माइका माइनिंग जहाँ पर होता है वो कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। ई का मतलब यहाँ पर कौन सा वाला होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो यहाँ पर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। नन ऑफ दी अबव क्यों, क्योंकि जो चीज़ें हैं ये 1999 से पहले बिहार के पास थी, लेकिन जब नए राज्य का सृजन हुआ झारखंड का तब सब चीज़ें जो है माइनिंग वाली वो सब लेके चला गया झारखंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ई जाएगा। पिछले वर्ष भी 64 बीपीएससी में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि किस तरह के उद्योग की प्रत्याशा बिहार में नहीं है, तो उनमें से एक ऑप्शन था कि माइनिंग की नहीं है, बस उसी को आपको एलिमिनेट करना था। तो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ना, इसमें फैक्ट तैयार करने थे ना कुछ। अगला क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण पूर्वी ट्रेड हवाओं के लिए भूमध्य रेखा को पार करके और भारत में मानसूनी हवाओं के समानांतर बहने का तात्कालिक कारण क्या होता है। द इमीडिएट कॉज ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टू क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ओवर इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका इंटेंस लो प्रेशर ऑफ थार डेजर्ट, थार रेगिस्तान का कम दबाव ऐसा करने के लिए उनको प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग्म 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो ये द्वीप युग्म कौन सा है, अंडमान और निकोबार, ठीक है, 10 डिग्री चैनल से सेपरेट हो जाते हैं ये। सरल सा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे। पश्चिमी घाट क्या है, वॉट आर वेस्टर्न घाट्स। तो ये बेसिकली आपका इस्कार्पमेंट है प्लेट्यू का, ठीक है, पठार का विस्तार है हम लोग कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों किस स्थान पर मिलती हैं, स्थान पूछा जाता है रिवर सिस्टम में, देवप्रयाग है, एनसीईआरटी में गिवन है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा फुट लूज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो फुट लूज इंडस्ट्री है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन नंबर सी। इसको फुट लूज इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लोकेशनल प्रेफरेंस उतना नहीं होता है, कहने का मतलब है कि कहीं भी सेटअप कर सकते हैं, कहीं विशेष जगह सेटअप करने पर इसको लोकेशनल प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, यानी कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है तो भी इसको कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को सेटअप करने का। अगर आपका कर्नाटक में है तो भी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसको जो रिसोर्सेस लगते हैं रॉ मटेरियल से लेकर के लेबर और मार्केटिंग तक, वो काफ़ी जो है कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और वेरीड होते हैं, इसमें जो है हाई स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है, आसियान कंट्रीज का सदस्य आपका श्रीलंका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। शुरुआत में आसियान 5 कंट्रीज से शुरू हुआ था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, बाद में फिर इसको ब्रुनोई ज्वाइन करता है, फिर वियतनाम ज्वाइन करता है, फिर लाओस, म्यांमार और आखिर में कैम्बोडिया। अगला क्वेश्चन है कि डोल्ड्रम्स कहाँ पर शांत हवा के क्षेत्र होते हैं, तो डोल्ड्रम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रीजन है इतना, यानी कि 5N से लेकर के 5S तक, ठीक है, 5N लैटिट्यूड से 5S लैटिट्यूड तक ये होता है डोल्ड्रम का एरिया। तो डोल्ड्रम का एरिया कहाँ पर होगा, आप कर सकते हैं ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है किससे मेजर किया जाता है, बैरोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी। एल्टीमीटर से क्या होता है कि एल्टीट्यूड यानी कि हाइट मेजर की जाती है, इसको ध्यान रख सकते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है आपको वुड्स डिस्पैच को, वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, इसको और सही से लिखना चाहिए था मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया,
इस तरीके से आप लिखेंगे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया, वो कौन था? वुड्स डिस्पैच। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से INA के गठन की परिकल्पना किसकी थी? BPSC इसको कई बार पूछ चुका है, परिकल्पना यानी कि आइडिया किसका था? सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव अगस्त ऑफर का मुख्य प्रावधान नहीं था? ठीक है, प्रोविजन अगस्त ऑफर 1940 का कौन सा नहीं था, ये बताना है। तो पृथक निर्वाचक मंडल का गैर विस्तार यानी कि नॉन एक्सपेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट, यानी कि ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि सेपरेट इलेक्ट्रेट को बढ़ाएंगे, वहीं कांग्रेस का मानना था कि सेपरेट इलेक्ट्रेट को जो है नॉन एक्सपेंशन मिले, अब उसको ना बढ़ाया जाए आगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में आयोजित तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे उसमें भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू और B.R. अम्बेडकर, ये दोनों ऐसे थे जिन्होंने भाग लिया था तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी लंदन में वहाँ पर। अगला है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। अब आप निम्नलिखित पर विचार करें, ऐसा क्यों किया होगा गांधी जी ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, तो वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है इस कहीं ना कहीं समर्थन देने से कायम हो जाए, ऐसा वो चाहते थे, ऑप्शन नंबर सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे दिए गए नाइटहुड सम्मान को वापस कर दिया था? अवार्ड वापसी की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर बी। जब जलियांवाला बाग हुआ था तो प्रतिरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सत्याग्रह सभा का गठन किसने किया था? सत्याग्रह सभा का गठन किया था फरवरी 1919 में गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण घटना है, क्या महत्वपूर्ण परिणाम था इस घटना का? इस घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण परिणाम निकला था कि कहीं ना कहीं किसान जो है शामिल होने लगे थे राजनीतिक मोबिलाइजेशन में, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलनों में कहीं ना कहीं किसानों की भूमिका देखी गई थी एक्टिव तौर पर, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अपराइजिंग की नहीं। विद्रोह तो कई हुए थे लेकिन राजनीतिक लामबंदी किसानों में पहली बार देखी गई थी चंपारण के बाद, ऑप्शन नंबर ए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार की निष्क्रियता की नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी, यानी कि मास्टरली इनएक्टिविटी किसके साथ फॉलो की थी ब्रिटिशर्स ने? तो ये फॉलो की थी अफगान के साथ, ठीक है, अफगानों के साथ, ऑप्शन नंबर सी। और इस पॉलिसी को किसने अपनाया था, ये अगर पूछ ले तो जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किसके साथ व्यापारिक संबंध देखे गए थे? तो हमें साक्ष्य मिलते हैं कि मेसोपोटामिया से काफ़ी व्यापारिक संबंध थे और इजिप्ट से भी काफ़ी संबंध थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई चला जाएगा, यानी कि मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैदिक काल में दसराजन युद्ध हुआ था जिसको दसराग युद्ध कहते हैं, ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था? इसमें सुदास थे, और सुदास थे किसकी तरफ से? आपके भरत कबीले की तरफ से, और बाकी पांच जो है नॉन आर्यन ट्राइब थी वो, तो आखिर में जो है आर्यन ट्राइब की जीत हुई थी सुदास की, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, पुरुषणी, यहाँ पर युद्ध हुआ था दसराजन युद्ध। पहली जैन परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज प्रिसाइडेड बाई, तो स्थूल बद्र यहाँ पर बने थे परिषद के अध्यक्ष, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने अध्यक्षता की थी। पहली काउंसिल में एक महत्वपूर्ण चेंज जो हुआ था वो ये है कि जो 14 पूर्व जो खो चुके थे जैन में उनको रिप्लेस किया गया था 12 अंगों से, 12 अंगों का सृजन हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, प्राथमिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? बौद्ध साहित्य तो आपको पता है, जैन साहित्य किस में लिखा गया है? प्राकृत में। और बुद्ध टेक्स्ट ज़्यादातर आपको पाली भाषा में मिलता है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो ये है कि विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। इब्न बतूता यहाँ पर नहीं आया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था। यहाँ पर निकोलो डो कॉन्टी आए थे, ठीक है, अब्दुल रज्जाक आए थे, और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृष्ण देव राय जो थे संगम वंश से थे, ऐसा नहीं है, तुलुव वंश से थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही है, बाकी 3 इनकरेक्ट हैं। और ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, डेक्कन में पड़ता था विजयनगर और यहाँ पर लिखा है नर्दर्न में, तो ये भी नहीं हो सकता है। अगला है, स्वाभिमान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके ई वी रामस्वामी नाइकर, ऑप्शन नंबर बी।
हम ये पहले भी पूछ चुके हैं पहले टेस्ट सीरीज में कुछ दूसरी तरीके से। भारत के संविधान की रचना करने वाली संविधान सभा की स्थापना कब करी गई थी बताना है, तो ये करी गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की स्थापना करी गई। संविधान का मसौदा, सॉरी, हाँ, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के प्रमुख कौन थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ये कई बार आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है और विदेशियों को नहीं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये एक्सक्लूसिवली हमारे इंडियन के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए, और जो फॉरनर्स हैं उनको ये अधिकार नहीं मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रवर्तन जो है किस पर निर्भर करता है, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है फॉलो करे जाएंगे किस पर डिपेंडेंट है, तो ऑफकोर्स ये डिपेंडेंट है, जो रिसोर्स होंगे गवर्नमेंट के हिसाब से उसी के हिसाब से सरकार काम करेगी, क्योंकि बाध्यकारी तो है नहीं ये DPSP, तो उसी के हिसाब से। राष्ट्रपति को अपने सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। आप जानते हैं इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होगा, 14 दिन की नोटिस में यहाँ पर फिर आपके किसी भी हाउस में मतलब 14 दिन की नोटिस 1/4 टोटल मेंबर हाउस जो के जो होंगे वो साइन करके देंगे, रिजोल्यूशन पास किए जाए मेजोरिटी के साथ, 2/3 जो टोटल मेंबरशिप है किसी भी एक सदन की उससे जो है रिजोल्यूशन फिर पारित किया जाए, और फिर यहाँ पर चार्जों की जांच की जाती है, चार्ज सही पाए जाते हैं, फिर रिजोल्यूशन होता है और फिर आपका इम्पीचमेंट होता है। बहुत छोटे मैंने बताया है, वैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा इसको हमारी समरीज में से या फिर लक्ष्मीकांत में से। एक राष्ट्रीय आपातकाल संसद की स्वीकृति के बाद कितने समय तक संचालन में रहता है, ये बताना है। आपातकाल लागू होने के 1 मंथ बाद दोनों ही सदनों की यहाँ पर संस्तुति चाहिए होती है, ठीक है, और अगर फिर इसको बाद में आगे बढ़ाना है तो 6 महीने तक रह सकता है, लेकिन 6 महीने ज़्यादा नहीं रह सकता। अगर 6 महीने से आगे बढ़ाना है तो दोबारा रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, एक बार आप आपातकाल अधिकतम 6 महीने की अवधि तक लागू रह सकता है। संसद की समिति जिसकी सबसे बड़ी सदस्य संख्या है वो कौन सी है, लार्जेस्ट मेंबरशिप किस समिति में होती है, तो ये होती है आपकी एस्टिमेट कमेटी में, ऑप्शन नंबर सी। इसमें मेंबर होते हैं करीब 30। आगे हमारा क्वेश्चन है कि संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जाएगा, कि लेजिस्लेटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, बाकी वाले रॉन्ग हैं। संसद का कोरम कितना निश्चित है, यानी कि जो मिनिमम संचालन करने के लिए, सदन का संचालन करने के लिए सदस्यों की संख्या चाहिए वो कितनी है, यही होता है कोरम, तो कोरम हमारा 1/10 है। किसका 1/10 है, टोटल मेंबरशिप है जो हाउस की उसका 1/10, ऑप्शन नंबर ए। अगला है राज्यपाल का पदभार, यानी कि गवर्नर का ऑफिस जो है कब तक रहता है अस्तित्व में, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रह सकता है 5 साल के लिए, 5 ईयर्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसा करके लिखा हुआ है संविधान में, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हम सही मानेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है, तो आपका दिल्ली में नहीं है, और कहाँ पे नहीं है, और आपका नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, तो नागालैंड यहाँ पर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ध्यान रख लीजिएगा, नागालैंड में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, मिजोरम में नहीं है और मेघालय में नहीं है। भारत के विधि आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें लिखा हुआ है कि ये एक ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैचुटरी बॉडी है। ये एक नॉन स्टैचुटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम क्रिएट करती रहती है। तो अब ये मैथ्स के क्वेश्चन है, इनको हम आखिर में देखेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन आखिर में आएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, यानी कि सिंधु जल संधि है, जल न्यायाधिकरण भारत को 3 पूर्वी नदियों के ईस्टर्न रिवर्स के पानी पर पूर्ण नियंत्रण देता है, तो ये पूर्ण नियंत्रण वाली भारत की नदियां कौन सी हैं, इनका नाम बताना है। RBS, ICJ, ये ट्रिक होती है, इनको ध्यान रखने की कभी नहीं भूलेंगे। ICJ किसके पास है, कुछ प्रोविजंस के साथ ये पाकिस्तान के पास है, और ब्यास सतलज रावी का पूरा नियंत्रण भारत को मिला हुआ है इस ट्रीटी के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। ब्यास सतलज रावी का पानी पूरा पूरा भारत यूज़ करता है,
और इंदूस, चेनाब और झेलम का ये यूज करता है पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस देश ने पंज तीर्थ हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? ये किसने किया है? पाकिस्तान ने। पख्तूनख्वा वहाँ पर प्रोविंशियल जो खाइबर गवर्नमेंट है वहाँ पर डिक्लेयर किया गया है इस हिंदू साइट को वहाँ पर नेशनल हेरिटेज। भारत ने कहाँ पर बनने वाले रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना के निर्माण और स्थापना में भारतीय फर्मों को अनुमति देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ, मतलब किसके साथ हम लोग करेंगे, वहीं पर रूपपुर बनेगा, तो ये बांग्लादेश के साथ हमारा है रूपपुर प्रोजेक्ट वहाँ पर अंडरटेक किया जा रहा है। इंडो रशियन डील जो हुई थी एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर थर्ड कंट्रीज में, तो उसके तहत ये बांग्लादेश में रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है और वहाँ पर भारतीय फर्म जो है अपना सहयोग देंगे। अगला है, भारत ने ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह को विकसित किया है जो अफगानिस्तान, मध्य एशियाई देशों के साथ भारत की कनेक्टिविटी इनेबल करता है, इस पोर्ट का क्या नाम है? तो ईरान के पोर्ट की बात कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा चाबहार न्यूज में रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जाएगा। ईरान, अफगानिस्तान और ईरान भारत के बीच ये ट्राइलेटरल समझौता हुआ था मई 2016 में कि वहाँ पर दो बर्थ जो है उस पोर्ट में भारत इस्टेब्लिश करेगा। और आप जानते हैं कि रिसेंट की न्यूज़ है कि भारत की दो फर्म है, मतलब भारत की जो दो फर्म है वो वहाँ पर अंडरटेक भी कर चुकी है, मतलब अपना कब्जा सुनिश्चित कर चुकी है। अगला है, भारत सरकार ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो इलीगल रूप से जानवरों पर जो हार्मोनल इंजेक्शन्स लगाए जाते थे उसको प्रतिबंधित कर दिया है, वो कौन सा है हार्मोनल ड्रग जो दिया जाता था गाय भैंसों को अधिक प्रोडक्शन के लिए? वो था ऑक्सीटोसिन। आप जानते हैं ऑक्सीटोसिन बैन कर दिया था एक साल पहले। अभी हाल ही में कैंडिडा ऑरिस को दवा प्रतिरोधी रोग जनक के रूप में पहचाना गया है, यह है क्या चीज़? जिन्होंने बॉटलें लिया होगा उन लोगों ने पहचान लिया होगा आराम से, यह है क्या चीज़? ये ऑफकोर्स एक फंगस है, ठीक है। फंगस का इसलिए कंसर्न में है क्योंकि वैज्ञानिक यहाँ पर देख रहे हैं जो एंटी फंगल ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, मल्टीपल एंटी फंगल ड्रग्स पर अब ये रेजिस्टेंट है, ठीक है, अब उनका प्रतिरोधी बन चुका है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला है, चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ये दुनिया का पहला निजी तौर पर वित्त पोषित चंद्र मिशन जो था बेरशीट, निम्नलिखित में से किस देश का था, ये बताना है। फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड लूनर मिशन था, ये अनसक्सेसफुल है, टचडाउन इनको करवाना था, सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी जैसे हमको चंद्रयान करवाना था, लेकिन इनका मिशन कुछ मीटर रह गया था, यानी 149 मीटर से फिर फेल हो गया था, कनेक्शन उनका टूट गया था उनके रोवर से, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, इसराइल का मिशन था। तो सिमिलरली जैसे चंद्रयान मिशन जो नहीं टच डाउन कर पाया हमारा, उसी तरीके से बेरशीट भी नहीं कर पाया था, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से एबल पुरस्कार 2019 जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई? एबल पुरस्कार को मैथमेटिक्स का नोबल कहा जाता है, जनरली पुरुषों को मिला है आज तक, पहली बार एक महिला को मिला था, करन एलनबक, ऑप्शन नंबर ए, ये यूएस से हैं। अगला है, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इनका अपॉइंटमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है, ये है डेविड मालपस, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस भारत के प्रमुख कार्यक्रम ने ग्लोबल वाटर समिट में पब्लिक वाटर एजेंसी का डिस्टिंक्शन यानी खिताब जीता है? तो कौन चुना गया था हमारी स्कीम, ये हमने बताया था आपको पूरा, नमामि गंगे को चुना गया था, ऑप्शन नंबर डी, इसको डिस्टिंक्शन मिला था पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर के लिए। और ये ग्लोबल वाटर समिट हुई कहाँ पर थी, ये अगर पूछ लें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लंदन। अगला क्वेश्चन है कि IQ एयर विजुअल और ग्रीन पीस द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार किस भारतीय शहर को पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा मिला है? पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर स्टडी बाय IQ एयर विजुअल के अनुसार है गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस टेलीस्कोप ने पहली बार ब्लैक होल और उसकी शैडो को कैप्चर किया था? ये बहुत न्यूज़ में चीज़ रही थी और ये है इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप, ठीक है, इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप, यह है किसका? ये US का है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, ये पूछा जा चुका है अभी एक रिसेंट एग्जाम में भी। विश्व का पहला मलेरियल वैक्सीन जो है निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुआ है? तो सबसे पहले, मतलब कुल मिलाकर 3 कंट्रीज़ ने शुरू किया था, उनमें से सबसे पहले शुरू किया है मलावी ने। मलावी जो है ये पहला वैक्सीन इसने लॉन्च किया है, इस वैक्सीन का नाम है RTS, ये नाम है ध्यान रखिएगा। और विद इन 3 वीक्स घाना ने और फिर केन्या ने भी इस तरह के वैक्सीन को लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है कि 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि 2019 में किसने किया था, ओसाका जापान ने,
अगली बार करेगा आपका सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी। सऊदी अरब की जो कैपिटल है रियाद, वहां पर होगा ये। अगला क्वेश्चन है कि रायतु बंधु योजना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। रायतु बंधु स्कीम शुरू की थी तेलंगाना ने, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसी की तर्ज पर कृषक बंधु स्कीम लाया था पश्चिम बंगाल उसके बाद। रायतु बंधु स्कीम के तहत तेलंगाना के हर फार्मर को पर हेक्टेयर जो है, पर एकड़ सॉरी, आपके 4,000 रुपये मिलते हैं लैंड मैनेजमेंट के लिए, सीट खरीदने के लिए, ये इन सब चीज़ों के लिए। निम्नलिखित में से किस शहर को 2019 की विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। UPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, अभी लोअर का री एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया था डायरेक्टली ये क्वेश्चन। 2019 को पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है शारजा शहर के लिए, ठीक है। आप चाहें तो 2020 और आगे का भी ध्यान रख सकते हैं, अभी के लिए है 2019 शारजा। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा स्थापत्य कला के लिए 2020 की विश्व राजधानी घोषित किया गया है या नामित किया गया है। तो ये है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम कर रहे जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में मानव ऊतक मानचित्रण परियोजना शुरू की है, इसे नाम क्या दिया गया है। तो ह्यूमन टिश्यू मैपिंग प्रोजेक्ट है, और इसमें हम अपने जीनोम से संबंधित वो चीज़ें जानना चाहते हैं जो अभी तक नहीं जान पाए हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है मानव, ऑप्शन नंबर बी मानव। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और कुछ स्टेक होल्डर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं इसके लिए। आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे संदर्भित होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है ये बताना है। तो ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम ओवर टाइम, यानी कि हमारी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय जो है बढ़ती जाएगी समय के साथ, वही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगला है, निम्न में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए यूज़ किए जाने वाला पैरामीटर नहीं है। तो पैरामीटर 3 यूज़ करता है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब उसमें भी क्या क्या चीज़ें आती हैं, हेल्थ में आपकी क्या चीज़ आती है, न्यूट्रिशन आ जाता है आपका, चिल्ड्रेन मोर्टेलिटी आ जाती है, फिर आपका ईयर ऑफ स्कूलिंग हो जाती है चिल्ड्रेन की, और अटेंडेंस ऑफ स्कूलिंग हो जाती है, और उसके बाद एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा हाँ, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस आ जाती हैं, हेल्थ में चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इलेक्ट्रिसिटी कितनी मिलती है, हाउसिंग की कैसी है, एसेट्स कैसे हैं, सैनिटेशन कैसा है, और कुकिंग फ्यूल कैसा है, ये सब आ जाते हैं। कौन सा इसमें नहीं आ रहा है, तो मातृ मृत्यु दर नहीं आ रहा है, तो इसको कंसीडर नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। किसी देश के आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि को मापने का सबसे उत्तम जो उपाय होता है या जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या हो सकता है, वो होता है GDP, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलायमान रखने के लिए, बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए, सरकार जिस मूल्य पर खाद्यान्न खरीदती है किसानों से, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका प्रोक्योरमेंट प्राइस, ऑप्शन नंबर बी। प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या ज़्यादा होता है MSP से, तो हाँ ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला है कि विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है, रिकमेंड कौन करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत में भूमि सुधारों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो लैंड रिफॉर्म में अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, हम चाहते हैं कि मध्यस्थ लोग हट जाएं तो किसानों को शुद्ध आय मिले। लैंड टिनेंसी रिफॉर्म, ये शामिल है। लैंड कंसोलिडेशन, ये भी शामिल है, लेकिन वाटरशेड डेवलपमेंट पर ऐसे कोई ज़्यादा काम नहीं किए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बैंकों को नकदी और कुल संपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है, इसको क्या कहते हैं, सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। इनमें से क्या भारत में बैंक सुधारों से संबंधित है। तो बैंक सुधारों से संबंधित क्या क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंक मर्जर और अडॉप्शन ऑफ बेसल अकाउंटिंग सिस्टम। तो चारों ही हो गई है, ऑप्शन नंबर ई जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव। निम्न में से किस देश ने ओपेक से अपनी सदस्यता खत्म करने की घोषणा की थी। तो ओपेक को छोड़ने वाला आपका देश है कतर, ऑप्शन नंबर सी। 1 जनवरी 2019 से कतर ओपेक से हट चुका है। ओपेक का मतलब क्या है, ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। निम्न में से किस देश ने भारत
भारत ने 2017-2018 में सबसे अधिक कच्चे तेल की खरीद की है। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हमको किसने किया है कच्चे तेल का? वैसे तो यहाँ पर सऊदी अरबिया रहता है, लेकिन इराक ने इसको रिप्लेस कर लिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार इराक हमारा सबसे बड़ा तेल का इम्पोर्टर है। और टोटल अगर हम बात करें कंजम्पशन की, तो ये पेट्रोलियम का सबसे बड़ा इम्पोर्टर कौन सा है? भारत किस नंबर पर है? थर्ड पर है। उससे ऊपर यूएस है सबसे पहले, और फिर सेकंड पर चाइना है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्थिक मंच का कह सकते हैं संस्थापक है, फाउंडर कौन है? ये है क्लाउस मार्टिन श्वाब, ऑप्शन नंबर ए। ये फाउंडर मेंबर हैं आपके इकोनॉमिक फोरम के। अगला है प्राथमिक घाटा हम किसे कहेंगे, प्राइमरी डेफिसिट जो है ये किस ऑप्शन में जाएगा? तो ये जाएगा डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट में जो ब्याज दिया जाता है उसको नहीं जोड़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में सही है? तो सेविंग्स जो है ये अपने बैंक में रखते हैं, और ये स्मॉल सेविंग को प्रमोट करते हैं अपने मेंबर्स के बीच, और पुअर पीपल्स का ये होता है, अमीर लोग बिल्कुल नहीं होते हैं सेल्फ हेल्प वाले ग्रुप में। तो यहाँ पर डी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को किसी भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो ये होता है पूर्णिया में, ऑप्शन नंबर डी। पूर्णिया भी वो मतलब जगह है जहाँ पर सबसे कम आपका लिटरेसी होती है, सबसे कम फीमेल लिटरेसी कहाँ पर है? पूर्णिया में। अगला है चिप्स के पैकेट को ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? जो गैस भरी जाती है जिस पर काफ़ी जोक्स बनते हैं वो है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें और गलत कथन को यहाँ पर चूज करें। स्मॉग जो एयर पोल्यूशन होता है इससे विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो ये सही है। धुंध जब होती है तो आपको दिखना बंद हो जाता है, और स्मॉग जो है इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है नाइट में प्रोड्यूस होता है, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मॉग बनने के लिए यहाँ पर धूप चाहिए होती है, और धूप नाइट में नहीं होती है। प्राइमरी रिक्वायरमेंट है फोटोकेमिकल स्मॉग की यहाँ पर धूप। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, और फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में साइमल्टेनियसली गलत है। पौधे के अक्षीय विकास के लिए जिम्मेदार जो पौधे का विकास हार्मोन होता है वो कौन सा है? तो ये है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स जो होता है ये पौधे की लंबाई बढ़ाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ऑक्सिन्स आपको मिलते हैं? ये आपको मिलेंगे जो स्टेम की टिप होती है वहाँ पर, रूट की टिप होती है वहाँ पर, और स्टेम बड्स होते हैं वहाँ पर बनता है। इंडोल एसेटिक एसिड ध्यान रख लीजिए, एक आई आई ए इसको लिखते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, ये एक ऑक्सिन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कुछ देशों में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए होता है? तो फलों को पकाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो है कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया था? 1908 में किया गया था। ठीक है, इसको बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी कहते हैं। ये पॉलिटिकल यूनिट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और पटना में इसका हेड ऑफिस सिचुएटेड था। तो 1908 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के स्वयंसेवकों के एक समूह के साथ 1923 में नागपुर में प्रसिद्ध ध्वज सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के इसके हिस्से के रूप में नागपुर में हुआ फ्लैग सत्याग्रह, और इसमें भाग लेने के लिए गए थे आपके राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह और किसने किसान सभा का आयोजन किया था? तो कृष्ण सिंह को तो हम जानते हैं, दूसरे पर्सन थे आपके मोहम्मद जुबैर, ऑप्शन नंबर बी। और कब स्थापना हुई थी ये ध्यान रख लीजिएगा, 1922 में। अगला क्वेश्चन है कि नॉर वेस्टर्स के बारे में आप गलत कथन चुनिए। तो क्या ये एक साइक्लोनिक विंड है? दूसरा है कि बिहार में लगभग 10 सेंटीमीटर की वर्षा करवाती है। मैंगो लीची राइस जूट के लिए क्या ये यूजफुल है ये बारिश? और क्या ये पश्चिम से आने वाली गर्म हवाएं हैं? तो पहले तीन स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, चौथा यहाँ पर गलत है कि लोकलाइज्ड विंड होती है, ये कहीं से नहीं आती है। ऑप्शन नंबर ए बी सी यहाँ पर सही है। अगला है बिहार में 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक चौड़े जो तराई क्षेत्र होते हैं ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? तो ये फैला हुआ है आपका वेस्ट चंपारण से सीतामढ़ी अररिया किशनगंज तक, ऑप्शन नंबर डी। ये आ सकता है एग्जाम में, याद कर लीजिएगा इसको। बिहार राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक लंबाई है बागमती रिवर की, ऑप्शन नंबर बी।
अच्छा सॉरी, इसमें पूछा है कि सेकंड लॉन्गेस्ट कौन है। ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट है आपकी बागमती, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी पर बने हुए पुल का नाम बताइए जो पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। तो इसका नाम है महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन नंबर ए। 2011 के सेंसस के अनुसार बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? तो अगर ऑप्शन में आ जाए तो आपको, आपने अगर बजट का वीडियो देखा है तो आप कर लेंगे इसको। नगरीकरण पर हमने बात की थी कि नगरीकरण में कहीं ना कहीं पीछे बिहार। तो 2011 सेंसस में था 11.3%, इतनी परसेंट आबादी खाली नगरों में रहती है, बाकी सब ग्रामीण। कुकिंग गैस में निम्नलिखित में से क्या कौन कौन सी गैसेस होती हैं? मेनली ब्यूटेन होती है, प्रोपेन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। इथाइल मरकैप्टन नाम का जो चीज़ मिलाई जाती है उसी से जो आपको तीक्ष्ण गंध आती है, क्योंकि ब्यूटेन और प्रोपेन की अपनी गंध नहीं होती है। अगर किसी लकड़ी को जलाया जाएगा तो मुख्य रूप से कौन सी गैस आपको निकलती हुई देखने को मिलेगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और एक और इसमें पूछा जाता है कि आप बताइए कि कोई व्हीकल अगर चल रहा है तो उसका एग्जॉस्ट पाइप क्या फेंकेगा? तो वो होता है CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि बंद कमरे में कोयला या लकड़ी का कोयला जलाना खतरनाक क्यों है? क्यों कहते हैं कि आप चारकोल ना जलाइए वहाँ पे? क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो बर्न हो रहा है आपका चारकोल, वो जितना ऑक्सीजन है वो ले ले रहा है, और दूसरी बात है कि बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहा है जो कि बहुत ही हार्मफुल है आपके लिए। तो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हो जाएंगी कि प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये भी, और बर्निंग ऑक्सीजन जो है, जितना ऑक्सीजन है अभी कमरे में वो भी ले ले रही है बर्निंग, और ब्रेथ लेना जो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी इसका हीट से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही, और आग लगने का खतरा तो दूसरी बात हो गई। साइंटिफिकली ऑप्शन नंबर ए और बी की वजह से रिकमेंड किया जाता है कि आप बंद कमरे में अंगीठी ना जलाएं। वर्षा के बाद इंद्रधनुष जो है कहाँ पर दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है अपोजिट ऑफ सन। ठीक है, जहाँ पर सन है उसके अपोजिट में, ऑप्शन नंबर बी। फ्यूज़ के लिए जो प्रयुक्त सामग्री है उसमें कौन सा गुण होना चाहिए, क्या विशेषता होगी जो हम लोग यूज़ करेंगे मटेरियल फ्यूज़ बनाने में? तो उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ऑफ कोर्स, तभी तो वो गलेगा और सर्किट ब्रेक होगा, ऑप्शन नंबर डी। और सेम टाइम उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। या फ्यूज़ मटेरियल का आप एक कोई एग्जांपल दे सकते हैं तो आपको ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। निम्न में से कौन सा विकल्प लाउडस्पीकर में ऊर्जा रूपांतरण के बारे में सही है, यानी कि लाउडस्पीकर क्या करता है, एनर्जी कन्वर्जन कैसे करता है? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल से फिर साउंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल टू साउंड, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल की परत जो रेडियो तरंग को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित कर देती है वो कौन सी है? तो वो है आपकी आयनोस्फेयर। ठीक है, आयनोस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ध्रुव तारा चलता हुआ इसलिए नहीं दिखता है, आपको मोशन में क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ये साथ साथ चलता है। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि इन लाइन विद द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विटामिन सी की कमी से बच्चों में निम्न में से कौन सा रोग हो जाया करता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी। जो हैवी वाटर होता है उनमें निम्न में से क्या होता है? तो इसमें जो है ड्यूट्रियम है, ये रिप्लेस कर लेता है हाइड्रोजन को जो कि उसका आइसोटोप है, तो उसी वजह से वो एक नॉर्मल वाटर की जगह हैवी वाटर बन जाता है। निम्न में से कौन सा परमाणु नाभिक के घटक हैं? तो एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होंगी ये कोई बता सकता है, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है, सभी को पता होगा। कृत्रिम वर्षा में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग करते हैं? तो उपयोग करते हैं हम लोग सिल्वर आयोडाइड का, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा यहाँ पर गलत है? द ब्रेकिंग पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड फ्यूजन, तो ये गलत है, इसको फिशन कहना चाहिए हमको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रॉन्ग है, बाकी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। ड्राई आइस जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है सॉलिड। टेलीफोन जो है ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था, और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसकी थी? चार्ल्स डार्विन की। पौधों को नाइट्रोजन के रूप में क्या प्राप्त होता है? पौधे अपना नाइट्रोजन लेते हैं किस फॉर्म में? नाइट्रेट्स के फॉर्म में, ऑप्शन नंबर बी। दूध के दही में परिवर्तित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बनता है? तो ये अम्ल होता है आपका लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। कार्बनिक भोजन हमारे लिए बेहतर माना जाता है, ऑर्गेनिक फूड क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि ये बिना आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बनता है। आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स आप जानते हैं कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाएंगे, ऑप्शन नंबर डी।
सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व कौन सा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंडामेंटल कौन सा है? तो ऑफ कोर्स कार्बन है, कार्बन ही नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता है। डेसिबल इकाई का उपयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो डेसिबल से हम लोग क्या चीज़ मेजर करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ऑप्शन नंबर सी। रेटिना का जो लेंस होता है किसी वस्तु की किस प्रकार की छवि बनाता है, मतलब हमारे जो लेंस में कैसी छवि बनती है बताना है, तो इन्वर्टेड और रियल बनती है, ठीक है, इन्वर्टेड और रियल। जो डेक्कन रीजन में जो दंगे हुए थे उनका क्या कारण था ये बताना है, तो वहाँ पर रैयतवाड़ी सिस्टम लाया गया था, ये सही है। और उसके बाद जो है सिविल वार हो गई थी अमेरिका में, फिर यहाँ पर डक्कन रीजन में उगवाया जाने लगा कॉटन, और जब सिविल वार खत्म हो गई, गृह युद्ध वहाँ पर खत्म हो गया, तो फिर कॉटन की सप्लाई शुरू हो गई ब्रिटेन को, तो वहाँ पर फिर बेरोजगार हो गए फार्मर्स। तो ये जो किया गया था उनके साथ, ये दो रीज़न हो सकते हैं कि क्यों डक्कन में दंगे हुए थे, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट है। समझ गए आप, यानी कि पहले जब गृह युद्ध हुआ तो यहाँ पर कॉटन उगवाया जाने लगा, और जब रिस्टोर हो गई सब चीज़ें तो फिर से जो है लोन का उनके ऊपर कर्ज हो गया फार्मर्स के ऊपर, फिर उनके कॉटन की मांग कम हो गई, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले हड़प नीति का शिकार हुआ था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले एनेक्स किया गया था सतारा को, ऑप्शन नंबर ए। किस अधिनियम के तहत सबसे पहले पोर्टफोलियो प्रणाली आई थी? तो ये आई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है? ये हम लोग मतलब एक नहीं चार पांच बार टेस्ट सीरीज में कर चुके हैं, कुमार गुप्त प्रथम, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। और विक्रमशिला के लिए आप धर्मपाल, ध्यान रखिएगा। तोड़ा किसने था दोनों यूनिवर्सिटीज़ को? बख्तियार खिलजी ने। कालिदास निम्नलिखित में से किस शासक से के दरबार संबंधित थे? तो कालिदास संबंधित थे चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य से, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो मृक्षकटिकम शूद्रक की है, मुद्र राक्षस विशाखदत्त की है, दशकुमार चरितम दंडिन की है, मालविकाग्नि मित्र जो है कालिदास की है, भास की नहीं है, कालिदास यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी पेंटिंग है? हम लोग कह सकते हैं बाघ केव पेंटिंग, अजंता या भीमबेटका। तो पूरा पाषाण काल की जहाँ पर चीज़ें मिलेंगी वही सबसे पुरानी होगी। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, मतलब जो सिक्स क्लास की एनसीईआरटी उसमें दिया हुआ है, भीमबेटका की गुफाएं, ऑप्शन नंबर सी। हमारा कौन सा कथन यहाँ पर सही है बताना है? तो इक्ता सिस्टम क्या मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था? नहीं, ठीक है। इक्तादारी सिस्टम को दिल्ली सल्तनत में शुरू किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। मनसबदारी मुगलों ने शुरू की थी, मानते हैं सही है। अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश के संस्थापक नहीं था, जलालुद्दीन खिलजी था, ये गलत। दीन इलाही किसने शुरू किया था? अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे, यानी दो दो सही हो गए, तो ई। ह्वेन सांग जो है एक चीनी यात्री किसके दरबार में आया था? तो इसकी ट्रिक होती है एच एच, कभी नहीं भूलेंगे, हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ह्वेन सांग से एक और क्वेश्चन आता है बस, कि आप बताइए कि उसने अपना रिकॉर्ड जो है वो किस बुक में लिखा था, ठीक है, अपना यात्रा वृत्तांत जो है, रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज इसको कहते हैं, उसकी बुक का क्या नाम था? तो ये था सी यू की। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का उपदीवान बनाया गया था? बिहार का उपदीवान बनाया गया था शिताब राय को, ये कई बार आ चुका है बीपीएससी में, शिताब राय। बिहार में विधानसभा का चुनाव 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार हुआ था। कांग्रेस मंत्रालय का गठन बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रीकृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की जो सभी धर्म और जातिक विभेद के बिना सबके लिए ओपन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी? कांग्रेस रेडियो की स्थापना का श्रेय जाता है उषा मेहता को, 14 अगस्त 1942 को ऐसा हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। पटना सचिवालय के छात्रों की शहादत निम्नलिखित में से किस घटनाक्रम के तहत एक छोटी सी घटना है? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान यह है पटना सेक्रेटरिएट के छात्रों ने अपना जो है शहादत दी थी, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा का विकास किस के माध्यम से करना शुरू किया था? पहला इंडिकेशन क्या है? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हो गई थी
चार्टर्ड एक्ट 2000 चार्टर एक्ट 1813 के तहत इसमें यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रांट दिया गया था जिससे इंडियन लिटरेचर को और साइंसेस जो है उनको प्रमोट किया जाए। ऑप्शन नंबर सी। भारत में तंबाकू की खेती किसने शुरुआत की थी इसकी, तो इसका श्रेय जाता है आपके पोर्टुगीज को। ऑप्शन नंबर बी। हालांकि बाद में सिगरेट किसने प्रोड्यूस की थी, ब्रिटिशर्स ने। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने किस भूमि सुधार अधिनियम के तहत सामंती भू स्वामियों के अधीन काम करने वाले जमींदारों और किसानों के बीच मध्यस्थों को समाप्त कर दिया था, तो ये हुआ था 1950 में। समानता स्वतंत्रता बंधुत्व के सिद्धांत यानी इक्वेलिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी है, ये हमने किससे लिया है, तो ये लिया है हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कौन करता है, इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कौन करता है। इसकी स्थापना एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जी इसकी स्थापना करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, तो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करते हैं स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी। शैक्षिक नीति का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हेड कौन थे बताना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है के कस्तूरी रंजन। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में किसको नहीं शामिल किया गया है, ये है एजुकेशन। ये एजुकेशन आपकी कंकरेंट लिस्ट में है यानी समवर्ती सूची में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 35 ए के बारे में सही कथन है, तो वैसे तो 35 ए रिमूव हो चुका है, तो अब ये जब आपका 35 ए ही है नहीं तो हम क्यों कथन के बारे में बात करेंगे, आप इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगला है दक्षिणी पहाड़ी परिसर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यानी कि सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपकी अनाई मुड़ी। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है, तो इंडिया में सर्वाधिक सिंचाई आज भी होती है ट्यूबवेल से। ऑप्शन नंबर बी। भारत में मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग वाला है, इनको फाइंड करना है, तो पहला है कि हमारे देश में मानसून वाली वर्षा जो है 4 महीने में होती है, ये सही है। मानसून में ब्रेक के कारण कम वर्षा होती है कभी कभी, और मानसून सबसे पहले कहाँ पर आता है, केरल में जो कि वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है। अलनीनो जो है भारत में सामान्य मानसून वर्षा की तुलना में अधिक वर्षा से जुड़ा है, ऐसा नहीं है, अलनीनो भारत से एसोसिएटेड टर्म नहीं है। बिहार में बाढ़ के प्रमुख कारणों में से निम्नलिखित में से कौन है, तो तटबंधों का टूटना है और नदियों में जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा, ये भी है। डैम मैनेजमेंट सिस्टम इनएफिशिएंट है, ये भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे मंत्रालय अभी नवीनतम बनाया गया है, तो रेलवे जोन जो है नवीनतम सृजित किया गया है, तो न्यू वेस्ट रेलवे जोन है आपका, साउथ सदर्न कोस्ट रेलवे। ऑप्शन नंबर ए। अर्थार निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन है, तो ये है WWF का यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का। ऑप्शन नंबर ए मतलब सी। ये बताइए कि हमने इस साल किस दिन मनाया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तपेदिक यानी कि हम ट्यूबरकुलोसिस को कब तक खत्म करना चाहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को हम खत्म करना चाहते हैं 2025 तक, पहले 2030 तक ही टारगेट था लेकिन अब इसको कर दिया है 2025 तक। किस सरकार ने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुसार MSP देने का फैसला किया है, तो MSP अब दिया करेगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार पीले सागर से अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया था, तो ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें मोस्ट ऑफ द केसेस में चाइना किया करता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं, तो चाइना है ये। ऑप्शन नंबर ए। बोगी बिल ब्रिज का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना हुआ है बोगी बिल। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बताना है, तो ग्रीन हाउस गैस आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर आपका वाटर वेपर नहीं होगा, ठीक है, वाटर वेपर नहीं होगा, बाकी नाइट्रस ऑक्साइड भी है, N2O ऑफकोर्स आपकी ग्रीन हाउस गैस है। अगला है S-400 जो समाचारों में देखा गया था, ये क्या है, ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये रशिया का है और हम प्रोक्योर करने वाले हैं जल्द ही इससे, ठीक है। अगला है 2019 में वैश्विक शांति सूचकांक में यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है,
इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 141वीं, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी है? 140वीं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में पाइराइट पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने अपनी अदालतों में, अपने देश की अदालतों में हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? तो ऐसा करने वाला देश कौन सा बना है? अबू धाबी, ऑप्शन नंबर बी। उनकी प्रथम भाषा ऑफकोर्स अरेबिक होगी, दूसरी इंग्लिश और तीसरी होगी अबू धाबी कोर्ट्स में आपकी हिंदी। अगला क्वेश्चन है कि आकाश से चिकित्सा या परियोजना, या फिर कह सकते हैं मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये किस गवर्नमेंट के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नेटवर्क का एक कह सकते हैं कोलैबोरेशन है, जिससे कि मेडिसिन डिलीवर की जाएंगी ड्रोन्स के माध्यम से दूर दराज इलाकों में? तो किस स्टेट के दूर दराज इलाकों में ये कंडक्ट होगा? तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 से हम लोग देखेंगे मैथ्स के सेक्शन को। मोहन परचेस्ड अ बैग विद 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस। एक बैग है जिसका कोई MRP मान लिया 100 रुपये है। अब इस पे सबसे पहले उसको 20% का डिस्काउंट मिलता है। 100 का 20% होता है 20, तो 20 कम करके जो सेलिंग प्राइस हुआ वो 80 रुपये बन गया। अब ये जो 80 रुपये बना, इतने में मोहन ने इस आर्टिकल को ख़रीदा। अब ख़रीदने के बाद अब ये इसको बेचना चाहता है। किस तरीके से बेचना चाहता है कि जिस पे इसने इस आर्टिकल को ख़रीदा यानी 80 रुपये पे, इस पे इसे 40% का प्रॉफिट चाहिए। किस पे 40% का प्रॉफिट चाहिए? इस 80 पे। तो 80 का 40% कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका 10% निकालेंगे, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे। 10% 8, तो 40% 4 टाइम्स, तो आ गया 32। 80 प्लस 32 होता है 112। तो आपको इसमें ये बताना है द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द लेबल्ड प्राइस। मतलब अगर 100 रुपये में ख़रीदा होता और इसको डिस्काउंट ना मिला होता, तो यहाँ से ये लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 100 कॉस्ट प्राइस होता और 12 रुपये ऊपर है, इसका मतलब 12% है, ऑप्शन नंबर सी। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी अलोन कैन डू इट इन 20 डेज। तो टोटल वर्क क्या होगा? 15 और 20 का LCM जो कि 60 होता है। जहाँ तक ए और बी दोनों की बात है, तो 15 दिन के अंदर 60 यूनिट करते हैं, तो एक दिन में कितने यूनिट करेंगे? 60/15 यानी 4। उसी तरीके से बी के बारे में अगर आप देखें तो 20 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, तो हर एक दिन 3 यूनिट करते होंगे, जाहिर सी बात है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप लेस करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, 4 में से 3 गया 1। ए जो है एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट काम कर पाता है। अब पूछा है सवाल में, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट अ वर्क। इस पूरे काम को अगर सिर्फ और सिर्फ ए को करना हो तो कितने दिन लगाएगा? 60 यूनिट काम है, हर एक दिन सिर्फ 1 यूनिट करता है, तो ऐसे ऐसे 60 दिन इसको लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आर। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आर के हिसाब से दे रखी है। इट क्रॉसेस अ सिग्नल इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में एक सिग्नल को क्रॉस कर लेती है। तो जब भी कोई ट्रेन एक सिग्नल को क्रॉस करती है, किसी आदमी को क्रॉस करती है, किसी एनिमल को क्रॉस करती है, मतलब ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ट्रेन क्रॉस करे जिसकी लंबाई ट्रेन की खुद की लंबाई के मुकाबले नेग्लिजिबल हो, तो उस सिचुएशन में जो क्रॉस करते टाइम डिस्टेंस होता है ना, वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होता है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, स्पीड इंटू टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस की प्लेस पे क्या लेंगे? ट्रेन की लेंथ लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसने सिग्नल को क्रॉस किया है। तो डिस्टेंस की प्लेस पे लंबाई ले लिया, वेलोसिटी हमें 90 पता है, 90 लेकिन किलोमीटर पर आर में है, तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5/18 से गुणे करके, क्योंकि हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है, तो छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया। अगर मान लीजिए मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर की तरफ जाना होता, तो हम करते 18/5। फिलहाल 90 × 18/5 किया, समय हमको 10 पता है, 18 × 5 = 5 × 25 = 25 × 10 = 250। तो 250 मीटर यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3, तो मान लो पहला नंबर x और दूसरा y,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इक्वेशन नंबर 1। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 12, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, इक्वेशन नंबर 2। आपको बताना है कि x इंटू वाई यानी कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करके लिखने के बाद, तो एक्स वाई बताना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये 3 का स्क्वायर 9। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 12 है, हम यहाँ पे रख देते हैं 12 प्लस 2xy बराबर 9। इस 12 को लेके आएंगे इधर तो हो जाएगा नेगेटिव, तो 2xy इज इक्वल टू 9 माइनस 12 यानी माइनस 3, तो xy आ जाएगा माइनस 3/2 यानी कि ऑप्शन सी। LCM ऑफ टू नंबर्स इज 225 एंड देयर HCF इज 5। दो नंबर्स हैं, एक का LCM पता है, इनफैक्ट दोनों का LCM और HCF आपको पता है, एक नंबर आपको मालूम है 25, दूसरा बताना है। तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM इंटू HCF जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें हम सब कुछ रख देते हैं। पहला नंबर 25 है, दूसरा निकालना है तो उसको वैसा ही लिख देंगे, LCM हमारा 225 है, HCF अपने पास 5 है, 25 से इसको काटेंगे, 25 निम्मे तो 9 बार में जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा, तो दूसरा नंबर अपने पास 45 आ गया, ऑप्शन सी। इफ साइन इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो साइन है बराबर 3/5 है, क्या होता है ये, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है, तो बेस पक्का 4 रहा होगा, क्योंकि 3, 4, 5 राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक ट्रिपलेट होती है, तो इसीलिए हमने देखते ही पता लगा लिया कि बेस कितना है, तो वो 4 है। हमें बताना है क्या, टेन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए के, टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हमारा 3 है, बेस है 4, कॉस ए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस है 4, हाइपोटेनस है 5, कॉट ए क्या होता है, टेन का उल्टा, टेन ए 3/4 है तो कॉट 4/3 होगा, कॉस ए के क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन ए 3/5 है तो कॉस ए 5/3 होगा, 3 × 15 प्लस 16 31/20 और नीचे आ जाएगा 4, 5, 9, 9/3 होता है 3, तो 31/60 यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड द एरिया ऑफ इट सरफेस विल बिकम, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, इनफैक्ट सबको याद भी होगा, तो रेडियस क्या कर दी इन्होंने, डबल, तो r की प्लेस पे मैं 2r लिख के उसका होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो 4π वैसा ही लिखेंगे और ये हो जाएगा 4r², 4 बाहर निकाल लेंगे और 4πr² हमारा एरिया होता है, इक्वेशन नंबर 1 से a की प्लेस पे a रख देंगे, सॉरी 4πr² की जगह पे a रख देंगे, तो पहले का 4 गुना ही तो हुआ, क्योंकि a हमारा पहले वाला एरिया था उसका 4 गुना आ गया यानी 4 times, ऑप्शन नंबर सी। द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 18, 7 नंबर का एवरेज हमारे पास 18 है, इफ वन नंबर इज 17 एंड इफ इज रिप्लेस्ड बाई 18, अब ये जो 7 नंबर हैं इन्हीं में से एक नंबर था 17, उसको हटा के उसकी जगह पे 31 ले आए, तो ये समझिए कि पहले आपके पास 7 नंबर थे, एक गया दूसरा आ गया, बताइए अब कितने हैं, तो 7 ही तो हैं, क्योंकि जो गया वापस आ गया, पहले भी 7 नंबर थे अभी भी 7 नंबर हैं, लेकिन फ़र्क किसका है, पहले वैल्यू 17 थी अभी 31 है, कितने का फ़र्क है, 14 का फ़र्क है। इस 14 का क्या करेंगे, इस 14 को जितने नंबर हैं उनमें बराबर बराबर बांट देंगे, तो उस नंबर हैं 7 तो हर एक को 2 मिलेगा, एवरेज का मतलब क्या होता है कि हर एक पे कितने का फ़र्क पड़ रहा है, तो हर एक पे हमने देखा 2 का फ़र्क पड़ रहा है, इतना ही फ़र्क एवरेज पे पड़ना चाहिए, क्योंकि एवरेज का मतलब ही यही होता है कि हर एक पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, तो एवरेज पहले हमारा 18 था अभी हमने 2 बढ़ा दिया क्योंकि हर एक को प्लस 2 का इफ़ेक्ट मिल रहा है, तो 18, 2, 20 हो गया एवरेज यानी कि ऑप्शन सी। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, 20% के हिसाब से पॉपुलेशन जो है किसी गांव की
हर साल घटती रहती है। इफ़ इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो वॉज 10,000, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। 2 साल पहले की अगर आप बात करें तो उस समय जनसंख्या 10,000 हुआ करती थी, तो 2 साल के बाद बताइए यानी आज की डेट में क्या होगा। तो ये जो 10,000 है इसमें 20% लेस करना पड़ेगा, 20% लेस करना पड़ेगा, इसका मतलब कितना बनाना पड़ेगा, 80%। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/5 से, 80% 4/5 होता है। एक बार नहीं 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी रेट से लगातार 2 साल का डिक्रीमेंट हुआ। 5 से काटेंगे 2000 बार में गया, इस 5 से काटेंगे 400 बार में गया, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और ये 2 जीरो, 6400 लोग रहते हैं उस अभी गांव में। अभी उस गांव में कितने लोग रहते हैं, 6400, ऑप्शन नंबर बी। ए स्टार्ट सम बिजनेस विद ₹50,000, ये ए है, इसने किसी बिजनेस को चालू किया ₹50,000 के साथ आफ्टर 3 मंथ्स। बी जॉइंस हिम विद ₹70,000, बी नाम का बंदा 3 महीने बाद आता है कितने रुपए के साथ, तो ₹70,000 के साथ। अब ये जो 50,000 और ₹70,000 है ये इनकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप जानते ही हैं कि जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब कितना पैसा आपने लगाया और कितने टाइम के लिए लगाया, इन्हीं 2 बातों पे डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट। तो टाइमिंग देख लेते हैं किसकी कितनी है। तो ए के बारे में अगर हम बात करें तो आगे लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, और ए के बारे में हमको ये नहीं पता कि इसने बिजनेस में कब से पैसा लगाया, तो आप मान के चलिए कि वो पूरे साल उस बिजनेस में था, उसने अपना पैसा पूरे साल लगाया। एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 50,000 × 12, ये हमने ए का प्रॉफिट लिख लिया। बी का प्रॉफिट क्या होगा, एक साल टोटल बिजनेस चला और बी जो है वो 3 महीने बाद आया, तो एक बात बताइए उसका पैसा कितने महीने तक लगा। उसका पैसा जाहिर सी बात है 9 महीने तक के लिए लगा, क्योंकि 3 महीने बाद वो बिजनेस में आया है। तो बस इनका जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। सॉल्व करिए, आंसर टिक करिए, क्योंकि आपको बताना भी यही है कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। 3 × 9, 3 × 4 = 12, 4 जीरो इधर से काटा, 4 जीरो इधर से काटा, 5 × 20, 7 × 21, तो 20/21 यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि ई में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऑप्शन मैच ना करे तो आप उसको टिक कर सकते हैं।